नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया, आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर साहब हैं। और आइए हम सीधे इनसे जुड़ते हैं कि खगड़िया के मानसी में जो अर्ध निर्मित मेगा फूड पार्क है, इसको लेकर हाल फिलहाल में केंद्रीय खाद्यान्न मंत्री पशुपति पारस से मुलाकात किए थे। मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई है, क्या खगड़िया के अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि अब इनके करीबी और लोजपा के नेता पशुपति पारस जी केंद्र में मंत्री बने हैं, इन तमाम मसलों पर हमारे साथ खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। अब तो आपके अपने लोग बन गए, पहले भी थे और अभी भी आपके अपने। आपको बता दें कि जिस दिन उनको ये डिपार्टमेंट मिला था, पारस जी को, उसी दिन जाकर करके हम लोग लेटर पहले से बनाए हुए थे और लेटर जाकर के पारस जी को कर दिए। उस टाइम में थोड़ा सा हम लोग को कंफ्यूजन ये था कि प्रेस्टीन वाले, प्रेस्टीन ग्रुप जो है उसने कितना साल लगा दिया और कुछ नहीं किया, लेकिन प्रेस्टीन वाले भी हमारे पास आए और उनसे भी बातचीत हुई, तो उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, जिसमें कि थोड़ा सा जो भ्रम था हम लोग का क्लियर हुआ कि प्रेस्टीन वालों का काम था कि इसको जो मेगा फूड पार्क है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर करके उसमें बिजली पहुंचाना, उसमें रोड देना, बाउंड्री करना और सारे सुविधा को दे कर करके वो फैक्ट्रीज को अट्रैक्ट करना था। तो ये काम उन्होंने लगभग किया हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी भी ज़रूर है। और ये जान करके खुशी हुई कि अभी दो फैक्ट्री वहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है और दो फैक्ट्री दिसंबर तक पूरे तौर से शुरू हो जाएगा। साइलो भी बनना है, वो भी दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद उनका कहना था कि 80% जो है, जो एरिया है उसका, वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी 20% बचेगा जिसको जल्द से जल्द उन लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं। कि हम लोग को भी कोशिश होनी चाहिए कि मक्का से रिलेटेड हो या फल का कैनिंग से रिलेटेड हो, ऐसे फैक्ट्रीज को वहाँ पर हम लोग भी लोगों को बोले हैं, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, बिहार से, जहाँ से भी लोग आए, दो चार पांच जगह और बच जाएगा तो उसमें लगाएं हम लोग और 100% वो चालू हो जाए, ये हम लोग की इच्छा है। और अगले नवंबर तक उन्होंने वादा किया है कि आपका 100% भरा कर मैंने सारे फैक्ट्री चालू हो जाएंगे, इसका उन्होंने वादा किया है। और जब ये हो जाएगा तो आदरणीय हमारे पारस जी जो मंत्री हैं इस डिपार्टमेंट के, वहाँ करके उसको विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। उससे पहले जो फैक्ट्रीज जो चालू होगा उसमें हम जा करके निरीक्षण करेंगे, उसका हम उद्घाटन करेंगे। सर, क्या ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा वक्त लग गया, जिस वक्त तक में इसका, जहाँ इंडस्ट्रीज थी, जिस तरह से हवाला दिया गया था कि हाँ कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे, जिस आधार पर किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी, कहीं ना कहीं वो मकसद में बहुत विलम्ब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत विलम्ब हो गया। ये कम से कम 3 साल पहले इसको, जो आज जिस कंडीशन में होना चाहिए था, लेकिन काम कराने के दौरान काफ़ी मुसीबतें आती है। ज़मीन का कुछ मामला था, वो सब सॉल्व होते हुए कुछ प्रॉब्लम हुआ, फिर कोरोना आ गया, तो इसमें तो पूरा देश क्या, पूरा पूरी दुनिया में कठिनाई आई। 2 साल तो करीब समय, ये 1.5 साल तो इसमें भी ज़ाया हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इसको कम से कम 2 साल पहले ही शुरू हो जाना चाहिए, मैंने जो आज की स्थिति में 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। अभी काम चल रहा है वहाँ पर, दो फैक्ट्री तो रनिंग है, एक तो वो पोल्ट्री फीड का है, बड़ी इंडस्ट्री, बड़ा फैक्ट्री है। साइलो बन के तैयार हो जाएगा, उसमें 300 लोगों को पर डे का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और बाकी और दो फैक्ट्री अब आ जाएगी, तो हम समझते हैं काफ़ी हद तक एक अच्छा उसका स्वरूप बन जाएगा। अब भी एनडीए का हिस्सा है, जो कि केंद्र में भी लंबे अरसों से शाहनवाज हुसैन जी जो है राजनीति करते करते अब बिहार में भी वो मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, उनसे भी कहा जाता है कि आपका बहुत ज़्यादा ही जो है एक लगाव है, एक बहुत अच्छा स्कूलिंग है, तो क्या इन तमाम मसलों को लेकर शाहनवाज हुसैन जी से भी आप बातचीत करेंगे कि बिहार सरकार की मदद से और भी इंडस्ट्रीज लगाने की दिशा में क्या आपकी जो है सोच? बिल्कुल, उनसे पहले भी बात हो चुकी है और वो बहुत रुचि ले रहे हैं, न सिर्फ खगड़िया के बल्कि पूरे बिहार में जाकर जो दौरा कर करके किशनगंज गए थे, उधर आपके मुजफ्फरपुर के एरिया में भी उन्होंने दौरा किया, पढ़ते रहते हैं, उनसे बात भी होती रहती, बहुत रुचि ले रहे हैं। और खगड़िया में ख़ास तौर से उनको, क्योंकि आपने कहा कि उनसे अच्छा मेरा ताल्लुकात है, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। केंद्र में पारस जी हैं और यहाँ पर शाहनवाज साहब हैं,
इसका जरूर हम लोग को फायदा मिलेगा और इसका हम लोग फुटपाथ को कम से जल्द दिसंबर में, जैसा हमने बताया कि दो इंडस्ट्री दो फैक्ट्री का उद्घाटन हो जाएगा और बाकी भी देवत रूप से अगले नवंबर तक, इस नवंबर नहीं अगले नवंबर तक पूरे 100% उसका ये उन्होंने एश्योरेंस दिया प्रिस्टीन वालों ने और हमको यकीन है कि होगा। चलिए सर से बात करें। और ये फूड पार्क तो नवंबर तक जैसा हमने बताया कि बनेगा ही। प्रिस्टीन वालों ने बताया कि उन्होंने रेलवे से लाइन को प्रिस्टीन तक ले जाने का भी एप्लीकेशन दिया और बातचीत भी चल रही एडवांस स्टेज में। वो रेलवे लाइन अगर वहाँ तक चली जाती है तो उससे बहुत सुविधा होगा और कोल्ड चेन का भी उन्होंने वादा किया कि कोल्ड चेन को गेम करेंगे तो उसमें बड़ा बढ़ोतरी हो जाएगा। पूरा रेफ्रिजरेटेड सारा सामान रहेगा और पूरा जो कंटेनर है रेफ्रिजरेटेड रहेगा, वो देश विदेश कहीं भी जा सकता है। यहाँ का लीची हो, आम हो, मखाना हो, जो भी हो, मछली हो, तो ये एक बड़ी चीज़ है। इसमें हम लोग एकदम लग करके उसको करवाएंगे। सर जैसे आपने बताया कि वहाँ तक पटरी की लाइन बिछाने की बातें थी, लेकिन सर ऐसा भी लगता है कि एक रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता भी पड़ेगी, उस दिशा में भी तो काम करने की जरूर जो भी लगेगा उसमें रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। अभी तो आप जानते हैं कि रेलवे ओवर ब्रिज हम लोग यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज जो है जो खगड़िया में बनना था वो फंड्स की कमी के वजह से नौगछिया चला गया, क्योंकि यहाँ बड़ा बनना था इसमें ज़्यादा लागत था। तो इसके लिए भी हम लोग लगेगा कि ये भी जल्द से जल्द हो जाए। मनसी में भी जब वो लाइन जाएगा वहाँ पर फुट ओवर बनेगा बिल्कुल।